मैं ऑक्सीमीटर हूं, जो बताता हूं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। कोरोना पीड़ित हर एक व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। एक सामान्य व्यक्ति में यह 94 से 100 के बीच में रहता है। मेरा प्रयोग बहुत ही आसान है। इस बटन को दबाकर इसे आप ऑन करें। अब अपने दाहिने हाथ के बीच वाली सबसे बड़ी उंगली को इसके बीच में ठीक तरह से रखें। याद रहे कि आपके नाखून ऑक्सीमीटर के अंदर से आ रही लाल रंग के प्रकाश की तरफ हो। अब आपको आधे मिनट से लेकर एक मिनट तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस मशीन को आपके शरीर का ऑक्सीजन मापने में इतना समय लगता है। अब आपको यहां दो तरह की मात्रा दिखाई देगी। पहला SpO2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि आपके शरीर में 97 है, और दूसरा पल्स की मात्रा, जो कि 82 है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 90 तक है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। अगर यह संख्या 90 से कम हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मेरे सही प्रयोग तथा माप के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती हैं। जैसे मेरे प्रयोग से पहले यह देख लें कि आपकी उंगलियां बिल्कुल साफ हो। अगर उस पर नेल पॉलिश लगा हो तो उसे अच्छी तरह से साफ कर ले, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आएगी। मेरा प्रयोग करते समय आप स्थिर बैठें तथा आपका हाथ ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। हो सके तो अपनी हथेली को किसी समतल जगह पर या टेबल पर रखें। दिन में 3 से 4 बार अपने ऑक्सीजन की मात्रा को मापें और किसी कॉपी या पेपर पर लिख कर रखें। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर आप हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें।